रान सिंह, ये केबिन की लाइट क्यों चल रही है अब तक? सर वो कशिश मैडम अभी तक काम कर रही है। ठीक है तुम जाओ। तुम क्या हुआ? कुछ काम था? हाँ वो रात काफी हो चुकी है, तुम अब तक घर नहीं गई? हाँ वो काम कुछ ज्यादा था इसलिए। ठीक है मैं वेट करता हूँ। इट्स ओके सुजन, मैं चली जाऊंगी, तुम जाओ। कशिश मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा ना तुमसे, आई मैनेज। और वैसे भी चारू तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही है, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। ओके चलो कशिश, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। चलो कशिश। हाँ घर आ गया। अब
फ्रेंड्स। सुजन कहाँ थे तुम इतनी देर? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, पता कितना घबरा गई थी मैं। एक तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा, बाहर मौसम इतना खराब है, कहाँ रह गए थे तुम? चारों ऑफिस में देर भी तो हो सकती है, कोई मीटिंग हो सकती है, और मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ भी गलत कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। वो मैंने सोचा तुम आओगे तो खाना साथ में। प्लीज जाओ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा वेट मत किया करो। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं सब कुछ ठीक करूंगा, जो मैं कर भी रहा हूं। तुम खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। कशिश बेटा, इतनी देर हो चुकी है, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ पापा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। लेकिन बेटा, तुम तो काम के लिए 9 बजे निकल जाती हो और आज 10:30 बज चुके हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैं बस अभी जा ही रही। पापा, मैं तो कब से कशिश जी से कह रही हूँ कि तैयार हो जाए, लेकिन ये सुनती नहीं। पता नहीं क्या हो गया आज। मौली, मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा, कहीं ऑफिस में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और अगर ऐसा होता तो मैं आपको जरूर बताती। तो क्या वजह है थी? आप तो अब तक ऑफिस चली जाती है, आप लोग मुझे इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना, कोई बात नहीं है, आप लोग प्लीज मुझे। पापा, आप सीजी साहब, आप कशिश को अपने साथ एक मीटिंग पर ले जाना था। मीटिंग? आप प्लीज बैठिए ना।
कशिश, क्या बात है बेटे, आप मीटिंग के लिए तैयार नहीं? लेकिन सीजी साहब, आप इस तरह यहाँ? कशिश भले ही मेरे घर की बहू नहीं, लेकिन मेरी बेटी तो है ना। अब इस बात से मैं इसे अपने साथ तो ले जा सकता हूँ। बेटे, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना मीटिंग के लिए देरी हो जाएगी। चलो बेटा, बेटा सीजी साहब खुद तुम्हें लेने आए हैं, जाओ तैयार हो जाओ जल्दी। चारो, मुझे माफ कर दो। मगर किस बात के लिए? तुम जानती हो मैं किस बात के लिए माफी मांग रहा हूँ। कल रात मैंने तुमसे बहुत रूडली बात की थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम तो मेरी ही फिक्र कर रही थी ना, कल रात पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं कोशिश करूंगा कि आगे से तुम्हें कोई तकलीफ ना दो। कोई बात नहीं सूजी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और हाँ, आइंदा से ये सॉरी वॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, इन शब्दों से दूरियां बढ़ती हैं और मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती। ये देखो बेटे, बेटा वैसे इस प्रोजेक्ट के बारे में तुम सब कुछ जानती हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जो मीटिंग से पहले मैं तुम्हें खुद समझाना चाहूंगा। पापा, मैं कोई मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहती और ना ही मैं उस ऑफिस में जाना चाहती। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं नहीं रह सकती उस ऑफिस में। बेटे, सैगल ग्रुप ऑफ कंपनीज मार्केट की जानी पहचानी कंपनी है। बेटा, अगर हमें ये प्रोजेक्ट मिल गया ना, तो फिर हमारी मार्केट पोजीशन उनकी मार्केट पोजीशन से कहीं ज्यादा होगी। बस किसी ना किसी तरह हम उन्हें अपनी फिगर से कन्विंस करते हैं। पापा, क्या सुजल भी हमारे साथ आ रहा है? नहीं बेटे, वो तो लंदन जा रहा है। लंदन? हाँ बेटे, हमें लंदन में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसे फाइनलाइज करने के लिए उसे तो वहां जाना ही होगा। चार पांच दिन बाद तो सुजल चला ही जाएगा और उसके बाद मैं ऑफिस छोड़ दूंगी तो किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। बेटे, I'm sorry, एक बात तो बताना ही भूल गए, प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में हम एक शानदार पार्टी दे रहे हैं आज शाम को, तुम्हें तो आना ही, लेकिन साथ साथ सिन्हा साहब को जरूर लेकर आना। मैंने उन्हें इन्वाइट कर लिया। नहीं पापा, मैं शायद नहीं आ पाऊंगी, लेकिन पापा पापा जरूर आएंगे। पापा मुझे बता रहे थे ना वो प्रोजेक्ट का। हाँ, वो मैं कह रहा था, इफ यू सी देयर फिगर्स, दे डोंट मैच विद आवर फिगर्स। क्या बात है वसुंधरा, बहुत परेशान लग रही हूँ। वसुंधरा, आप तो घर में कशिश भी नहीं है, फिर तुम इतनी परेशान क्यों? हाँ, कशिश यहाँ से तो चली गई है, लेकिन आप लोगों के दिलों से तो नहीं गई है ना? मतलब तुम अच्छी तरह जानते हो कशिश को फिर से बिजनेस में इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी, जब वरुण अच्छी तरह बिजनेस को संभाल रहा था। वैसे भी उसकी ट्रेनिंग तो हो चुकी थी, लेकिन नहीं, तुम लोगों की नजरों में कशिश ही सब कुछ है हमेशा। वसुंधरा, तुम बिजनेस के बारे में क्या जानती हो? सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम इट। और वैसे भी बिजनेस में कशिश वरुण से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, हमने जो कुछ भी किया है सोच समझ के किया है, और ये डिसीजन मेरे अकेले का नहीं है, सबने मिलकर फैसला लिया है। अंडरस्टैंड? ओह यस, आई अंडरस्टैंड वेरी वेल। आने दो उस कशिश को, मैं देखती हूँ वो मेरे बेटे का हक कैसे छीनेगी। वसुंधरा प्लीज। प्लीज दीप, आपको आज शाम की पार्टी में आना ही होगा, मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। यू हैव टू कम, बस। लगता है यहां सबकी आदत सी बन चुकी है,
घर में मुसीबत बुलाने की, और ये चारू ना एक्चुअली नो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चारू मेरे काम में आ सकती है। ये मेरा वो मोहरा बन सकती है जिसके द्वारा मैं कशिश को हमेशा के लिए इस घर से दूर कर सकती हूँ। कैसी हो? वैसे तो तुम ठीक ही होगी, आखिर तुम मलिकाए दफ्तर बन चुकी हो। तुम्हारी शान बढ़ गई, जो प्रोजेक्ट वरुण अच्छी तरह संभाल रहा था अब तो उसकी कमर तुम्हारे हाथों में है। I'm sorry, अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं ये प्रोजेक्ट वरुण को वापस दे देती हूँ। अरे बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हें ये प्रोजेक्ट दिया गया है तो फिर सोच समझ कर दिया होगा। And I have no problem with that. In fact, मुझे तो लगता है कि अब धीरे धीरे तुम्हारे सब हक तुम्हें वापस मिल रहे हैं। लेकिन एक हक फिर पाने के लिए शायद तुम्हें मुश्किल होगी, इस घर की बहू फिर से बनना। But don't worry, अगर तुम चाहती हो तो तुम मेरी मदद ले सकती हो। एनी टाइम, अब के लिए जस्ट enjoy this party as much as you can. ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।